एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 13th of September की करेंट अफेयर्स। तो आज की जो न्यूज़ है उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। एशिया कप के बारे में, US ओपन के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा काफ़ी कुछ पर्सन जो हैं वो न्यूज़ में हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आप लोगों के लिए स्टैटिक क्वेश्चंस भी हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप हमको कमेंट में देना। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूँगी। अच्छा, क्लास की PDF कहाँ से मिलेगी? तो परचम का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको क्लास की PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं US ओपन से। तो रिसेंटली US ओपन ख़त्म हुए हैं और US ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये टाइटल जीता है। और इन्होंने किसे हराया है? कैस्पर रूट को इन्होंने हराया है। तो आइए हम पूरी पिक्चर को समझते हैं। कार्लोस अल्कराज बीट कैस्पर रूट। कैस्पर रूट को इन्होंने हराकर US ओपन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। ठीक है, साथ ही साथ ही इज़ द यंगेस्ट मैन ग्रैंड स्लैम चैम्पियन सिंस राफेल नडाल वॉन द फ्रेंच ओपन इन 2005। तो राफेल नडाल ने 2005 में फ्रेंच ओपन जीता था, तब वो यंगेस्ट मैन खिलाड़ी थे जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था। अब ये सेकेंड यंगेस्ट मैन बन गए हैं जिन्होंने ये ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। ठीक है, अगर हम वीमेंस कैटेगरी में बात करते हैं, US ओपन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ईगा स्वितेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ईगा स्वितेक, उनके द्वारा वीमेंस सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, तो मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और वीमेंस सिंगल का टाइटल ईगा स्वितेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इन्होंने US ओपन सिंगल टाइटल अपने नाम किए हैं। ठीक है, अगर हम मेंस डबल की बात करते हैं तो राजीव राम, जो कि USA से हैं, और जोई सेलिसबरी, जो कि UK से हैं, इन्होंने मेंस डबल का टाइटल अपने नाम किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यंगेस्ट मैन बन गए हैं जिन्होंने ये ग्रैंड स्लैम जीता है सिंस 2005। 2005 में राफेल नडाल ने ये टाइटल अपने नाम किया था। नेक्स्ट पर्सन हम न्यूज़ में देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी। इनका निधन हो गया है 99 ईयर की एज में। तो द्वारिका पीठ, जैसे कि आपको पता है कि चार हमारे यहाँ पे मठ हैं और उन मठों के जो हेड हैं उनको ही हम शंकराचार्य के नाम से जानते हैं, राइट? तो द्वारिका शारदा पीठ मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हो गया है। और इनका निधन जो है, इनकी जो डेथ है वो ज्योतिश्वर धाम, एक जगह है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इनकी डेथ हुई है। इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के ही सिवनी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1924 में। और इनका ओरिजिनल नाम जो है वो पोथ्री राम उपाध्याय है। ठीक है, फिर इन्होंने गांधी जी के कई सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने शामिल हुए हैं, और इसके लिए इन्होंने जेल भी जाना पड़ा है। 9 साल की उम्र में इन्होंने घर को त्याग दिया था, घर को छोड़ दिया था। इन्हें शंकराचार्य का टाइटल 1981 में मिला था। 1981 में इन्हें शंकराचार्य का टाइटल मिला था, तब से इन्हें हम शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं। द्वारिका शारदा पीठम, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर ये शंकराचार्य के रूप में काम करते थे। इनका निधन हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में, इन्होंने चार मठ बनाए थे। ठीक है, हमारे जो चार वेदास हैं, तो चार वेदास से इंस्पायर होकर इन्होंने चार मठों को बनाया था अलग अलग जगह पे, जैसे कि ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से इंस्पायर होकर गोवर्धन पुरी मठ जो है, जगन्नाथपुरी जो हमारा है ना उड़ीसा में, तो गोवर्धन पीठ मठ बनाया था। यजुर्वेद से प्रेरित होकर श्रृंगरी मठ, जो कि आपके कर्नाटका में है, शारदा पीठ श्रृंगरी मठ कर्नाटका। ठीक है, यजुर्वेद से आपने रामेश्वरम में बनाया। फिर सामवेद से शारदा मठ, जो कि द्वारिका में बनाया गुजरात में। ठीक है, और फिर अथर्ववेद से बनाया बद्रीनाथ में ज्योतिर्पीठ उत्तराखंड में। तो इस तरीके से चार मठ बनाए और इनके जो प्रधान होते थे उन्हें हम शंकराचार्य के नाम से जानते थे। अगले जो पर्सन है वो भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, KN सिंह, कमल नारायण सिंह। इनकी भी डेथ हो गई है। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमल नारायण सिंह हैज़ बीन पास्ड अवे ऑन एट द एज ऑफ 95। ये भारत के 22nd नंबर के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं 1991 में। ठीक है ना, 22nd नंबर के। इसके पहले इन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत की थी वो एज अ एडिशनल जज इलाहाबाद कोर्ट से, हाई कोर्ट से की थी 1970 में। उसके बाद ये
जो है वो परमानेंट जज हो गए थे 1972 में, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रमोट हुए और 1986 में सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज की तरह इन्होंने ज्वाइन किया था और 1991 में CJI बने थे KN सिंह हमारे भारत के। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ 13 लॉ कमीशन भी रहे हैं 1991 से 1994 तक। तो हमको इनके बारे में क्या क्या सीखने को मिला कि KN नारायण जी जिनका निधन हो गया, ये भारत के 22nd नंबर के CJI हैं और 13th नंबर के लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है कृष्णम राजू, जो कि भारत के एक यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं और एक एक्टर भी रहे हैं। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें आपने प्रभास को देखा होगा। तो प्रभास के अंकल थे राजू जी और इनका निधन हो गया है। तो एक बहुत ही फेमस एक्टर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कृष्णम राजू, इनका निधन हो गया हैदराबाद में 83 की एज में, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट थी तो 2 बार लोकसभा के मेंबर रहे और यूनियन मिनिस्टर की तरह भी इन्होंने सर्व किया है, ठीक है। अभी जो राजू जी हैं इन्होंने 180 जो फिल्म है उनमें काम किया है और विद्रोह से एसोसिएटेड जो कैरेक्टर होते थे ना उनमें इन्होंने जनरली ज़्यादा काम किया, इसलिए इन्हें रिबेल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो पहली डेब्यू या पहली जो फिल्म की थी, अपने करियर की जो शुरुआत की थी, वो 1966 में की थी चिलाका गोनिका से। चलिए अगली बात करते हैं, हु वॉन एशिया कप 2022। तो रिसेंटली एशिया कप 2022 ख़त्म हुए हैं, ठीक है। एशिया कप का जो फाइनल खेला गया था वो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था और श्रीलंका एशिया कप का टाइटल जीत गया है। ये 6th नंबर का टाइटल है एशिया कप का जो श्रीलंका ने जीता है। इसके पहले 1986 में, फिर 1997, 2004, 2008, 2014 और अब 2022 में एशिया कप का टाइटल श्रीलंका ने जीता है 23 रन से पाकिस्तान को इसने हराया है। ये जो एशिया कप 2022 हुआ था ये UAE में खेला गया था। अगर हम सबसे मोस्ट विनिंग टीम की बात करते कि सबसे ज़्यादा बार एशिया कप किसने जीता है तो उस पर भारत का नंबर है। जब पहली बार एशिया कप को खेला गया था 1984 में और पहला जो एडिशन हुआ था ना 1984 का वो भी UAE में ही हुआ था और पहला टाइटल ही भारत ने अपने नाम किया था, ठीक है। तो भारत के पास टोटल 7 टाइटल हैं। तो फर्स्ट नंबर पे भारत है और सेकंड नंबर पे श्रीलंका हो गया। श्रीलंका के पास अब 6 टाइटल हो गए हैं एशिया कप के। तो जैसा कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा बार एशिया कप किसने जीता है, इंडिया ने। कितनी बार? 7 टाइम। कब कब? 1984, 1988, 1990, 1995, 2010, 2016 और 2018। तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया, सेकंड नंबर पे श्रीलंका। अब यहाँ पे जो एशिया कप हुआ इसमें कई सारे प्लेयर्स थे, पाकिस्तान के, इंडिया के, अफगानिस्तान के, तो कुछ ना कुछ टाइटल्स तो मिलते हैं। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या फिर मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? तो वनिंदु हजारंगा जो है वो यहाँ पे मैन ऑफ द मैच या फिर नहीं सॉरी मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल कौन रहा है? तो भानुका राजपक्षे रहे हैं। सबसे ज़्यादा रन एशिया कप में किसने बनाए? मोहम्मद रिजवान ने बनाए हैं 280 रन, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अगर हम इंडिविजुअल देखते हैं तो इंडिविजुअल जो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं वो विराट कोहली ने बनाए हैं 122 और सबसे ज़्यादा विकेट 11 विकेट किसने लिए हैं? भुवनेश्वर कुमार ने लिए हैं। तो ये कुछ और नाम है जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन। हालांकि ये तो हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं, रेडबुल के ड्राइवर हैं और इन्होंने रिसेंटली इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेसिंग को जीत लिया है। ये इनका फर्स्ट इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल है जो इन्होंने जीता है। तो इनके लिए अपने हिसाब से एक हिस्ट्री है, क्योंकि 2018 में जब इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था तब इनको 5th रैंकिंग आई थी और इनका पहला इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है जो इन्होंने जीता है, मैक्स वर्स्टैपन। तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अगली हमारी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई न्यूज़ है 75th सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैम्पियनशिप। ये असम के गुवाहाटी में हुई थी। 75वें नंबर की सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैम्पियनशिप 6 से लेकर 10 सितंबर के बीच में ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ था जाकिर हुसैन एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी में और इसे जीता है कर्नाटका ने। तो कर्नाटका के पास टोटल 250 पॉइंट्स आए हैं और मेंस डिवीज़न और वीमेंस डिवीज़न को मिला के टोटल 250 पॉइंट्स कर्नाटका को मिले हैं और कर्नाटका इस सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैम्पियनशिप को जीत गया है। इसके पास टोटल 14 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 11 ब्रोंज मेडल गए हैं, ठीक है। तो इसलिए कर्नाटका ने यहाँ पे टॉप किया है। अगर हम बात करते हैं कि बेस्ट पर्सन या फिर बेस्ट स्विमर कौन रहा है मेंस और फीमेल कैटेगरी में, तो मेंस डिवीज़न में शिवा एश
जो कि कर्नाटका से हैं। इन्होंने बेस्ट स्विमर का टाइटल अपने नाम किया है। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। और अगर हम फीमेल कैटेगरी में बात करते हैं, वीमेंस डिवीज़न में माना पटेल जो कि गुजरात से हैं, इन्होंने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि माना पटेल किस गेम से हैं, तो एक तैराक है, एक स्विमर है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ थी। आइए अब हम कुछ पर्सन और देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नायरा एनर्जी। नायरा एनर्जी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रसाद के पनीकर। प्रसाद के पनीकर नायरा एनर्जी के नए चेयरमैन के रूप में चुने गए हैं और इनका जो टेन्योर है वो 3rd of October से शुरू होगा। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो चार्ल्स एंटोनी टॉनी इन्हें रिप्लेस किया है। ये 5 साल से अपनी सर्विसेज एज अ चेयरमैन नायरा एनर्जी में दे रहे थे और कई सारे इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट लैंडमार्क डिसीजन जो है वो नायरा एनर्जी के लिए इनके द्वारा लिए गए थे, ठीक है। तो नायरा जो है वो बेसिकली कंट्री के द्वारा ऑपरेटेड 2nd largest सिंगल साइट रिफाइनरी है, जो कि बाड़ीनर गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 20 million ton की कैपेसिटी है। इट इज़ ऑल्सो अ लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर इन द प्राइवेट सेक्टर विथ ओवर 6,000 आउटलेट अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे देश में 6,000 से ज़्यादा आउटलेट इसके देखने को मिलेंगे। 2nd largest सिंगल साइट रिफाइनरी है ये गुजरात में और लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर है प्राइवेट सेक्टर में नायरा एनर्जी, और इसके चेयरमैन बन गए हैं प्रसाद के पनीकर। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ PMLA एपेलेट ट्रिब्यूनल। इसका क्या मतलब हुआ? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है इसके चेयरमैन के रूप में चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कह सकते हो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट के अंदर काम करती है और इनकी फिक्स सैलरी 2.5 लाख रुपए होती है। इनका टेन्योर 4 साल रहेगा या 70 ईयर्स जो भी पहले हो जाए। तो याद रखेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एपेलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन बन गए हैं? चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी बन गए हैं। इसके पहले ये चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाईकोर्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड डेयरी समिट ऑन September 12th। तो 48 ईयर्स के बाद, 48 सालों के बाद भारत में वर्ल्ड डेयरी समिट हो रही है, और वर्ल्ड डेयरी समिट का इनॉग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया है 12 सितंबर को। पूछा जा रहा है कि उद्घाटन कहाँ हुआ, तो आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में ये उद्घाटन किया गया है। डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा। 48 सालों के बाद ये हो रहा है, और इस समिट को एड्रेस किसने किया है? हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा, और इन्होंने बताया कि जो भारत है वो पूरे वर्ल्ड का 21% मिल्क का प्रोडक्शन भारत करता है। तो पूरे वर्ल्ड का कितना प्रतिशत मिल्क का प्रोडक्शन भारत करता है? तो 21% करता है। और अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो भारत में मिल्क का प्रोडक्शन 220 मिलियन टन है। कितना है? 220 मिलियन टन है। ये बात पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा वर्ल्ड डेयरी समिट को एड्रेस करते हुए कही गई। क्लियर हो गया? 21% याद रखना है। नेक्स्ट है, फर्स्ट सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। उनके द्वारा स्टेट की पहली सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी की शुरुआत की गई है गांधीनगर गुजरात से आने वाले 5 सालों के लिए, मतलब 2022 से लेकर 2027 तक, जिससे जो फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेट में और बूस्ट हो सकता है। और इसके लिए 1022 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है, जिससे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग डिपार्टमेंट फिल्म प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जाए। और यहाँ पे जब ये पॉलिसी लॉन्च हो रही थी तो इसके जो स्पेशल गेस्ट थे वो एक्टर अजय देवगन जी को बुलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा नई दिल्ली में 6 अलग अलग कैटेगरी में 4th edition बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड दिए गए हैं।
ठीक है, ये अवार्ड बेसिकली इसे प्रेजेंट किसने किया है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया गया है और इसे पावर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सास्त्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये फोर्थ एडिशन है जो कि 6 अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं। अब कुछ नाम आपको याद रखने, जैसे कि चेंज मेकर ऑफ द ईयर भारत बायोटेक, क्यों आपको पता ही है कई सारी इसने वैक्सीन्स बनाई हैं, है ना, इसलिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर किसे दिया है, भारत बायोटेक को। आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर मिताली राज को, जो कि भारतीय क्रिकेट फीमेल टीम की कप्तान रही हैं। आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर मिताली राज। चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसे दिया गया है, दी हार्ट को। बेसिकली एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम, वन स्टॉप शॉप प्रोवाइड करने का काम दी हार्ट करता है, इसे चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड रमेश रालिया को दिया गया है। इन्होंने नैनो यूरिया का इन्वेंशन किया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि नैनो यूरिया का इन्वेंशन किसने किया, तो रमेश जी ने किया था। और यंग चेंज मेकर अवार्ड जो है क्लाइमेट एक्शन के लिए आकाश और प्राची को दिया गया है। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे किमिंग जिंग 50। किमिंग जिंग 50 इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड अनमैंड एरियल व्हीकल UAV ऑफ विच कंट्री। तो रिसेंटली किस देश के द्वारा किम जिंग 50, जिसका एक्चुअली नाम है मॉर्निंग स्टार 50, देश का पूरी तरीके से फुली सोलर पावर्ड अनमैंड एरियल व्हीकल लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा चाइना के द्वारा। किसने लॉन्च किया है ये, चाइना के द्वारा, जो पूरी तरीके से सोलर पावर है, सोलर एनर्जी से ही ऑपरेट होता है। ठीक है, दिस हेल्प दिस ड्रोन टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ सोलर इक्विपमेंट, और ये 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की रेंज में फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। इसके अलावा USA और UK भी हैं जिनके द्वारा इस तरीके से सोलर पावर ड्रोन काम कर रहा है, जो कि 20 किलोमीटर की हाइट तक उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है द थर्ड स्टील फ्रिगेट तारागिरी लॉन्च। तो तारागिरी जो कि प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है, इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसे तैयार या फिर रिसेंटली किसने लॉन्च किया है, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और ये थर्ड नंबर का फ्रिगेट है जिसे प्रोजेक्ट 17A के अंदर तैयार किया गया है। इसको तैयार करने की शुरुआत 10th ऑफ सितंबर 2020 में की गई थी, और इसका जो फाइनल कमीशन किया जाएगा इसको, वो बोला जा रहा है कि 2025 तक किया जाएगा। इसकी लेंथ 149 मीटर की है, 17.8 मीटर वाइड है। इसमें दो मेन डीजल इंजन काम कर रहे हैं गैस टर्बाइन के साथ, और इसकी स्पीड 28 नॉट्स है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो हमारा तारागिरी है, तारागिरी सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है, सुपरसोनिक मिसाइल, उनको होल्ड कर सकता है, और इसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसके पास अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी भी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है वो कैपेबल है, और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को भी ये कैरी कर सकता है। इट इज़ अ सुपर डेडिकेटेड शिप दैट प्रिवेंट एनी एक्शन ऑफ एनिमी बिकॉज इट हैज़ अ एंटी शिप क्रूज मिसाइल। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट 17A की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट 17A के अंदर पहले दो शिप को 2019 और 2020 में लॉन्च किया गया था। पहली शिप जो है वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा तैयार की गई थी, और दूसरी जो शिप है उसे गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था। थर्ड शिप जो है उसका नाम उदयगिरी है, जिसे MDL ने तैयार किया था, और इसका जो सी ट्रायल अभी चल रहा है, सेकेंड हाफ ऑफ 2024 तक कम्प्लीट हो पाएगा। ठीक है, टोटल जो 17A है उसके लिए 25,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है विथ विच कंपनी हैज़ इंडियन आर्मी साइन अ डील फॉर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। तो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इंडियन आर्मी ने किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है, तो आंसर हो जाएगा NTPC लिमिटेड। NTPC जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, 7 नवंबर 1975 को 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो इंडियन आर्मी ने NTPC के साथ MOU साइन किया है जिससे वो रिन्यूएबल एनर्जी को ले सके। दिस इज द फर्स्ट एग्रीमेंट बाय द इंडियन आर्म फोर्स टू प्रोक्योर पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और लगभग 25 मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी डायरेक्टली नेशनल सोलर ग्रिड से जो है वो ली जाएगी नेक्स्ट 27 ईयर्स के लिए, यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे आर्मी वेस्टर्न कमांड के द्वारा ये MOU साइन किया है। नेक्स्ट है आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज पर्वत प्रहार इन लद्दाख सेक्टर। अच्छा, रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हमारा जो पॉइंट 15 है ईस्टर्न लद्दाख में, पेट्रोलिंग पॉइंट है पॉइंट 15, वहाँ से जो चाइनीज ट्रूप है वो पीछे हट रही है, आपने ऐसा सुना होगा, है ना। तो उसी रीज़न में बेसिकली ये
एक्सरसाइज पर्वत प्रहार को लद्दाख सेक्टर में कंडक्ट कराया गया है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे विजिटेड द लद्दाख सेक्टर टू रिव्यू एक्सरसाइज पर्वत प्रहार, ठीक है। और जितने भी हमारे नए इंडक्शन हुए हैं, हमने आर्मी में जो भी नए इक्विपमेंट्स हैं, तो उन सब का भी यहाँ पे बेसिकली टेस्टिंग हो जाएगी। हम इन्हें भी प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे जो चुनूक हेलीकॉप्टर है और K-9 वज्र है, उनका भी यहाँ पे टेस्टिंग किया गया और इनको भी यहाँ पे यूटिलाइज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटर फिक्स टोटल नंबर ऑफ सीट इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एट 250। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आप कह सकते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के द्वारा एक गजट पास किया गया, उसमें पहले दिल्ली में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था उसके पास 272 सीट्स थी, तो अभी इसका डिलिमिटेशन हुआ और अब इसके पास 250 सीट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फिक्स द टोटल नंबर ऑफ सीट इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एट 250, 250 सीट फिक्स कर दी है। पहले ये सीट 272 थी। साथ ही साथ जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होता है, उसमें भी जो सीट का रेशियो है वो 2011 की जनगणना के आधार पे 42 सीट रिजर्व कर दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में कितनी सीट है, तो 250 है, पहले 272 सीट्स हुआ करती थी। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है आज की हमारे पास कि अग्निकुल कॉस्मोस, जो कि एक स्पेस प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है इंडिया का, उसने फर्स्ट पेटेंट हासिल कर लिया है फॉर 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। तो इन्होंने एक 3D रॉकेट इंजन को तैयार किया था, प्रिंटेड रॉकेट इंजन, जिसका पेटेंट इनको मिल गया है, जिससे आने वाले समय में अपने नए रॉकेट को ये टेस्ट कर सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं। तो अग्निकुल कॉस्मोस वन ऑफ द इंडियाज प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप जिन्होंने पहला पेटेंट फॉर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का अचीव कर लिया है, जिससे आने वाले समय में ये जो अग्निबॉर्न रॉकेट बनाएंगे, जो कि अगले साल तक लॉन्च करने का बोला जा रहा है, उसके लिए भी इन्हें सपोर्ट मिलेगा। ये जो अग्निकुल है, इसको 2017 में बनाया गया था, जैसा कि मैंने कहा है कि स्टार्टअप है। इसे श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन SPM और SR चक्रवर्ती, जो कि प्रोफेसर है IIT मद्रास के, उनके द्वारा तैयार किया गया था। 2020 में अग्निकुल ने इसरो के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया था इन स्पेस इनिशिएटिव के अंतर्गत, और दोनों मिलकर कई सारे रॉकेट इंजन पर काम भी कर रहे थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, मैंने आप लोगों को EFAST के बारे में सारी जानकारी दी थी, ठीक है। तो EFAST से रिलेटेड ये है हमारे पास कि EFAST जो है इंडिया का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रिगेट प्लेटफॉर्म, इसे किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, NCSIR। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? 1 and 2, 2 and 3, 1, 3, 1, 2, 3, तीनों। तो जो भी आपका आंसर होगा आप हमें कमेंट में देना, सही आंसर भी आपको मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। आइए हम कुछ स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट पेमेंट बैंक हैज स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन इंडिया। भारत में शुरू होने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? तो भारतीय एयरटेल के अंतर्गत एयरटेल पेमेंट बैंक भारत में शुरू होने वाला पहला पेमेंट बैंक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमी, बैंकिंग और स्टैटिक से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो पहला पेमेंट बैंक किसने लॉन्च किया था? एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2017 में, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और ये सब्सिडरी है भारतीय एयरटेल की। साथ ही साथ जो RBI एक्ट है ना 1934 का, तो 5 जनवरी 2022 को इसे शेड्यूल बैंक का स्टेटस भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। तो इस तरीके से एक करंट अफेयर्स भी आपका ये हो जाता है। हाउ मेनी ऑफिसेस RBI हैव? RBI के कितने ऑफिसेस हैं? आंसर हो जाएगा 31। 31 ऑफिसेस RBI के अभी भारत में काम कर रहे हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेपो रेट, जैसे कि आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेपो रेट अनाउंस की जाती है, तो रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट होता है। तो RBI जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को पैसे उधार देता है वो रेपो रेट होती है। तो RBI lends money to the commercial bank, ये आपका क्या कहलाता है? रेपो रेट कहलाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज, अब मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR है ना, बैंक रेट, ये सब आपके डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में मॉनेटरी पॉलिसी में कौन होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर RBI जो है वो सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी को मार्केट में परचेज, सेल और परचेज करने का काम करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटी इन द मनी मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री।
जैसे कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो वो अपनी सिक्योरिटी को मार्केट में उतारेगा जिससे लोग उसको खरीदें और पैसे का जो है सर्कुलेशन वो मार्केट में रेगुलेट हो सके। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का, क्या मेंटेन करने की कोशिश करती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे ना इन्फ्लेशन आए हमारे पास, ना हमारे पास ऐसा हो कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हो, ना ऐसा हो कि रुपी की वैल्यू बहुत कम हो गई हो। तो एक तरीके से प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम हमारी मॉनेटरी पॉलिसी करती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस द ATM, ATM इंट्रोड्यूस करने वाला पहला बैंक कौन सा है? आंसर हो जाएगा HSBC बैंक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिकैश इनॉग्रेटेड, तो पहला इंडिकैश जो कि टाटा का प्रोडक्ट है कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो ये ठाणे महाराष्ट्र में किया गया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको स्टैटिक क्वेश्चन, करेंट अफेयर सब कुछ समझ में आया होगा। आज के जो करेंट अफेयर्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इनको आपको याद रखना है, नोट्स बनाते चलिए, उनको रिवाइज करते चलिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।